अभी हमारे पीछे जो आपको ठेला दिख रहा है, ये पॉपकॉर्न का दुकान खोले हैं भैया, और ये प्रतिदिन का हमें लगता है 1000 रुपया कमाते हैं इनसे। हम रिव्यू करेंगे पूरा इनका ठेला के बारे में, और कितना बजट में जो है कि ये ठेला जो है पॉपकॉर्न का बिजनेस आदमी प्रति युवा कर सकता है, जो युवा बेरोजगार है, हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। और आप कैमरामैन करीब आ जाइए। अच्छा भैया बताइए, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र बिंग। आप कहाँ करने वाले हैं? नौरंगिया के। देखिए जो है कि पॉपकॉर्न का बिजनेस अपना किए हैं भैया, कितना खर्चा में जो बजट में तैयार हो जाएगा बिजनेस? लमसम 40-45, मतलब ठेला वाला लेकर 40-45। अच्छा 40-45 हम पड़ जाएगा। ये जो आपका मशीन है जो पॉपकॉर्न तैयार करता है, कितना पड़ता है? ये 16,000, 18,000, 12,000 का आता है। अच्छा इसमें सिलेंडर भी लगता है? अच्छा ये सिलेंडर कितना पड़ेगा? 1000 का। और ये बैटरी? 5,000-6,000 जैसे लेंगे वैसे पड़ेगा। और ठेला? ठेला देखिए, अगर आप पॉपकॉर्न की बिजनेस करना चाहते हैं तो एक ठेले की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अगर ठेला नहीं होगा तो घर पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं, मगर अगर घूम कर करना चाहते हैं तो एक ठेला की जरूरत पड़ेगी, और उसमें एक बैटरी और एक सिलेंडर और एक जो पॉपकॉर्न का मशीन है। हालांकि ये 45,000 बता रहे, 45,000 में जो कि कोई भी युवा जो बेरोजगार बैठा है अपना जो कि जीवन का प्रतिदिन का प्रक्रिया जो भोजन का होता है वो कर सकता है। प्रतिदिन का जो है 1,000 रुपये आप कमा सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। और प्रतिदिन आप 1,000 रुपये कमाते हैं जी? अच्छा पूरा गांव में घूम कर बेचते हैं जी? अगर ये बिजनेस जो है एक जगह बैठ के भी किया जा सकता है? चौरा हो सकता है। केवल चौरा। हालांकि इन्होंने हमें बताया कि हम पूरा इनका रिव्यू कर देंगे, और आप चाहेंगे कैमरा मैन पूरा घुमा कर दिखा दीजिए इनका जो है ठेला है, देख सकते हैं यही ठेला है, और इसमें बहुत कम बजट और करीब आ जाइए कैमरा मैन, बहुत कम बजट में अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हमें लगता है जो युवा बेरोजगार है वो ये बिजनेस शुरू कर सकता है और अपना परिवार का भरण पोषण कर सकता है। भैया ये बताइए कि बिजनेस का सुझाव आपको कैसे आया? जैसे मान लीजिए हमारा साथी कोई था। अच्छा। तो बताया जी का दुकान उसी ने बताया तो मैंने ये सब किया। अच्छा कौन सा सब बिजनेस? लमसम करते हैं हम 3 साल से हो गया। 3 साल? पिछले साल 5 साल से बम्बईया मिठाई बेचते। अच्छा बम्बईया मिठाई। अच्छा ये बताइए इससे फायदा क्या क्या होता है? अगर कोई अगर ये बिजनेस कर रहा है तो उसको घाटा है कि नहीं है, या केवल फायदा है? नहीं इसमें घाटा नहीं है। कहने का मतलब आधा इसमें पूंजी लगता है, आधा था। जरा सोचिए प्रतिदिन का 1,000 रुपया कमाते हैं, कहीं किसी दिन बेसी भी हो जाता था। हालांकि ये प्रति महीना का अगर जोड़ा जाए तो 30,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं, और देखा जाए तो इनका अगर मूलधन छांट दिया जाए तो हमें लगता है 20-25,000 रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं, ठीक है ना? बाकी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो भैया से राय ले सकते हैं, अन्यथा आप यूट्यूब पर सर्च करके गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं पॉपकॉर्न का बिजनेस कैसे किया जाता है। बाकी हमारा प्रयास इनके पास से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जवान जय किसान।